यस यस आई एम लिसनिंग यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसमैन एंड अस? नहीं आवाज की आवाज कट रही है बेटा, कोई दूसरा बोलेगा। व्हाट शी इज आस्किंग? सर शी इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता बेटा, और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होता। दे आर डिफरेंट थिंग्स। जब हम स्केलर और वेक्टर आपको पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा। देयर इज अ वन चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर, देन आई विल व्हेन आई विल टीच यू देन इट विल बी क्लियर व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। स्केलर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो यू विल गेट दैट चैप्टर दिस ईयर। वेट, शायद उन लोगों ने नहीं किया है, मैंने उनको नहीं पढ़ाया अभी। ओके, जस्ट कॉपी ऑन दिस नोट पॉइंट, कॉपी ऑन दिस नोट पॉइंट, देन आई विल टेल यू द यूज ऑफ दीज थिंग्स। दीवानश्री हम लोग काफी आगे आ गए हैं, आपको एक्स्ट्रा लेक्चर लेता हूँ तो उनको फर्स्ट यूज दोबारा बताता हूँ फिर। ओके यस हर्षल डन सर। ओके हर्षल यू वांट टू आस्क एनीथिंग सर? वो मल्टीप्लिकेशन का आप बताने वाले थे वो। क्या कह रहे हैं बेटा फिर से बोलिए सर। वो नहीं क्या मासिंग तो एक्सेलरेशन वैसा हो सकता है ना? हाँ वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन फिर दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल सेम आना चाहिए। ओके अच्छा इसका यूज क्या है? कॉम्पिटेटिव में बहुत आता है, मैं इसका यूज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है अच्छा, हैव यू कॉपीड दिस जो मैंने रेड से लिखा है नोट पार्ट? हैव यू एवरीबॉडी कॉपीड? देन आई विल स्टार्ट सम एग्जांपल्स। अगर मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एग्जाम में क्या आएगा, ध्यान से लिसन प्रॉपरली, वो इक्वेशन एग्जाम में कुछ ऐसा इक्वेशन देगा वो एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता है। हाँ इट मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। ओके तो लेट मी स्टार्ट वन एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स। Just wait. Example, just here. First one. Let's say one equation is given. V is equal to B upon T plus C T square plus D T cube, where V is velocity and T is time. Find dimension of B, dimension of C and dimension of D. This is a question. I have taken a very simple question. So one equation is given, और आपको मालूम ये ऐसी कोई ऐसी equation तो exist करता भी नहीं है, लेकिन numerical में आता है। They will make कोई imagine कर लेंगे कोई equation को, तो उनकी imagination पे आप question mark नहीं करेंगे कि ऐसा कैसा, ये तो equation होता ही नहीं है। No, don't say like this way. You have to try to solve it. Okay? Now, just see here. अच्छा मैंने आपको बताया था कि सबके dimension क्या होने चाहिए, same होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सी ये तो स्टैंड क्या करता है, जैसे ये वो इस तरह से सॉल्व करता है। ओके इसका मतलब v फॉर वेलोसिटी और ये b अपॉन, इसका मतलब ऑल हैविंग द सेम डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन, b अपॉन t का डायमेंशन, या फिर c t स्क्वायर का डायमेंशन, या फिर d t क्यूब का डायमेंशन, इट विल बी द सेम, सबका सेम होना चाहिए। Take the first two.
So velocity is equal to b upon t. Take the first two. Sir. Yes. जो आपने ऊपर ए बी वो किया है ना, एक बार रिपीट कर सकते हो? जरा रेंज का प्रॉब्लम था. अच्छा, मैंने बोला कि a इज इक्वल टू b प्लस c, इसका मतलब सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. a और b और c सबका डायमेंशन, देखो मैंने क्या लिखा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू. d इज इक्वल टू e माइनस f, अगर माइनस हो रहा है तो भी सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए. डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल डायमेंशन ऑफ f. अगर कुछ इक्वल है दोनों तो उनका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए. और अगर कुछ अलग इक्वेशन है, z is equal to ab plus c upon d, तो all having the same dimension. z का dimension, ab का dimension, c upon d का dimension, all are equal to equal to equal to. इसका मतलब कोई भी इक्वेशन होता है ना, तो जितने भी टर्म्स होते हैं, टर्म्स सबका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए. Got it? अच्छा. Yes, sir, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. अब ये क्वेश्चन था, जैसे v for velocity और कुछ b क्या है मुझे मालूम नहीं, c क्या है मुझे मालूम नहीं, d क्या है मालूम नहीं, उसका डायमेंशन निकालना है. बस उन्होंने दो ही पॉइंट दिए कि v velocity होता है, t टाइम होता है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं दिया है. बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ b, c और d. तो आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करो. आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि सर ने बताया था कि सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, होना चाहिए सेम. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीओ v का डायमेंशन b बाय t के इक्वल कर लो, तो b क्या हो जाएगा, v इंटू टी. तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस वन, माइनस वन, और टाइम का t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, l सिव l आ जाएगा. इसी तरह दूसरे का निकालो c, फिर पहले v का और ct स्क्वायर का इक्वल कर दो. v इज इक्वल टू ct स्क्वायर डायमेंशन वाइज, डायमेंशन वाइज दे आर इक्वल. ठीक है बेटा, ये इक्वल नहीं कर रहा हूं मैं, डायमेंशन वाइज इक्वल कर रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज ना. समझ करना सर ने इनको इक्वल कैसे कर दिया, नहीं डायमेंशन वाइज दे आर इक्वल. ओके, तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू वी अपॉन टी स्क्वायर. तो सी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन माइनस थ्री अपॉन टी टू. थर्ड का क्या हो जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू डी टी क्यू. तो इट बिकम d क्या हो जाएगा, v अपॉन टी क्यू. सर एल टी माइनस फोर, माइनस फोर हो जाएगा. गुड, एल टी माइनस वन अपॉन टी क्यू. तो इट बिकम एल टी माइनस फोर. तो इस तरह से वो तुमसे पूछेगा, तुम्हें कोई भी इक्वेशन दे देगा, तुम अपना कॉन्सेप्ट पे बस अपना कॉन्सेप्ट यूज करना. क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कॉन्सेप्ट देखो ना, अब रूल वगैरह को भूल जाओ. सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं तो ये है कि कोई भी इक्वेशन होता है ना, एनी इक्वेशन तो सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. दैट्स ऑल, सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए. रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंस फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ट्राई इट राइट नाउ. ठीक है, डन सर. ओके, तो ये अच्छा, ऐसे इक्वल करोगे तो ये मत समझना दे आर इक्वल बेटा. हाँ, थिंक लाइक दिस वे, डायमेंशंस आर सेम. तो यू कैन डू लाइक दिस वे. ओके, नाउ अगर मैं एक मिनट रुको. अच्छा, मैं कोई दूसरा इक्वेशन लेता हूँ. Everybody copies, come to next problem. Sir, wait, sir, please. Okay. Sir, can you give more sums to solve like this? Yeah, I'm coming to that one. I'm trying to give you. Just wait.
मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, जस्ट कंप्लीट कर लीजिए तो मैं क्वेश्चन देता हूँ. ओके ओके, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन. ही है ओके जैसे यह थोड़ा मैंने चेंज किया है क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन मैं नहीं देना चाहता हूं. ठीक है. अच्छा तो ए और बी का डायमेंशन कैसे मिलेगा? एफ फोर्स है, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम. तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे विल आस्क इन द प्रॉब्लम्स. ओके जैसे यह. सो हैव यू अंडरस्टूड क्वेश्चन फर्स्ट? ए और बी मालूम नहीं क्या है. वो मिसिंग है. ए और बी कुछ नहीं मालूम क्या है हमको. ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं वेट. अच्छा ठीक है. अच्छा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, तुम्हें रीजन बताओ. ओके तुमने ध्यान दिया डिनोमिनेटर पार्ट, सी द डिनोमिनेटर पार्ट. डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिखा है? टी माइनस बी. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था ना एक जैसी क्वांटिटीज ऐड होती हैं और एक जैसी क्वांटिटीज क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ टाइम माइनस बी तो बी टाइम होगा. तो बी टाइम होगा, देन बी विल बी द टाइम. एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन बेटा, एक सेकंड. जस्ट होल्ड ऑन. ओके तो आपको मालूम है कि सर ने बताया था कि अजय वो टाइम से तो टाइम माइनस हो सकता है बस. इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ बी, बी का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन से मैच करना चाहिए. तो इसका मतलब बी का डायमेंशन किसके मैच कर जाएगा? वो टी से मैच कर जाएगा. तो बी समझ लो कैसे मिला, समझ में आया ना? क्योंकि आपको मालूम है एक जैसी क्वांटिटीज ऐड होती हैं और एक जैसी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं. ये बात क्लियर हुआ? Everybody got the how b का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के इक्वल क्यों हुआ? Yes, yes, sir. अच्छा अच्छा, अब तुम्हें ए चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई. ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई इक्वेशन होता नहीं. मैं ऐसे समझा रहा हूँ. ओके देन क्रॉस मल्टीप्लाई तो सर आंसर m माइनस वन एल टी माइनस टू आया है. फाइनल आंसर ए का. ए हाँ सर. अच्छा चेक कर लेता हूँ. मैंने एक्चुअली रैंडम लिया है तो आई डोंट नो द आंसर. लेट मी चेक इट. क्रॉस मल्टीप्लाइड तो ए क्या आ जाएगा? f इनटू टी माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर. ऐसे ही होगा ना? हाँ डायमेंशन लिख देते हैं. तो ए का डायमेंशन क्या होगा? डायरेक्ट ऑन डायमेंशन ऑफ फोर्स. फोर्स का डायमेंशन क्या था? ml t minus 2. नीचे डिस्प्लेसमेंट है l2. ये t माइनस बी क्या लोगे? जीरो. जीरो कैसे बोलोगे? अच्छा ठीक है तुमने बोला जीरो. ठीक है अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ एक बार, ध्यान समझना. जस्ट वेट, व्हाई इट इज नॉट ड्रॉइंग करेक्ट. हाँ जस्ट वेट, आई एम आस्किंग वन दिस वन क्वेश्चन. सी आपने बोला जीरो होगा. ये क्या हो रहा है? व्हाट नॉट एबल ड्रॉइंग. मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ. वेट रुको. अच्छा अगर मैं बोलता हूँ 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड इज इक्वल टू टाइम माइनस टाइम, क्या होता है? टाइम माइनस टाइम इज इक्वल टू टाइम.
इसका मतलब टी माइनस बी क्या होगा, टाइम माइनस टाइम इज, टाइम से टाइम माइनस करोगे आंसर टाइम मिलेगा ना तुमको, और कुछ थोड़ी ना मिलेगा, जीरो कैसे मिलेगा। अगर तुम 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड करते हो तो 3 सेकंड मिलेगा, टाइम माइनस टाइम इज टाइम, यू कांट से जीरो। तो आप ये बोल सकते हैं कि टाइम को टाइम से माइनस करेंगे तो आंसर इज टाइम, इसका मतलब टी माइनस बी क्या होगा, टाइम माइनस टाइम इज टाइम। ये बात क्लियर हुआ व्हाई टाइम माइनस टाइम इज टाइम? यस सर। ओके देन व्हाट द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी एम एल माइनस 1 t minus 1। so you have to very careful while doing this numerical। ab ye samjha hai na, time minus time time hota hai, dhyan rakhna, zero mat kar dena usko, theek hai? acha now acha main kuch aur equation leta hu, wait acha okay can I come to next problem sir? bb find karna hai na, to b to pehle hi mil gaya tha, kya baat kar raha hu, b तो पहले मिल गया हमको, क्योंकि t माइनस बी था ना, तो टाइम से कुछ माइनस होगा तो वो टाइम होगा ना, टाइम से कुछ और तो माइनस नहीं कर सकते तुम, तो t माइनस बी मतलब तुम टाइम से कुछ माइनस कर रहे हो b को, तो मतलब b का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन के इक्वल होगा। इज इट क्लियर दिस प्रॉब्लम? यस सर। एवरीबॉडी ना, कैन आई कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा अगर सपोज कर लो, थोड़ा अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम लेते हैं, एक जैसा प्रॉब्लम नहीं लेते, ठीक है? Let's see, if I am taking, if I am taking, just see, question number 3, I am taking, just see, question number 3, if force is given, a sine, मैं एक जैसी इक्वेशन नहीं कॉलम नहीं लूंगा, ठीक है? b x plus c cos dt, ठीक है, where f is force, x is displacement, t is time, t is time find dimension of a b c and d। ये मालूम नहीं सी डी क्या है, सब कुछ नहीं मालूम, डायमेंशन चाहिए। Okay, everybody complete problem? Yes sir। अच्छा जब मैं डायमेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने साइन कॉस टेन का डायमेंशन क्या बताया था, जस्ट आई एम जस्ट मूविंग अपवर्ड, क्या बताया था साइन कॉस टेन का डायमेंशन? साइन कॉस टेन का डायमेंशन क्या बताया था मैंने, शायद लिखा था, डायमेंशन लेस था, यस राइट। देखो जरा पॉइंट नंबर 18 देखो, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन आर डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस मतलब उनकी सबकी पावर क्या होती है, जीरो 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 लाइक दिस वन, गॉट इट? तो उस टाइम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करता है, उसको मालूम था कि सर ने बताया हुआ है कि जितने भी साइन कॉस टेन होते हैं
दे आर जस्ट डायमेंशन लेस, उनके पास डायमेंशन होते ही नहीं. जस्ट वेट. अच्छा जैसी तो जैसी यह जिस सॉल्यूशन पार्ट देखो यार. All trigonometric ratios are dimensionless. Trigonometric ratios are dimensionless. Ratios are dimensionless. वो सब dimensionless होते हैं. इसका मतलब sine bx भी क्या होगा? Dimensionless. Angle भी dimensionless होता है. Dimensionless. डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है? एम रेस टू पावर जीरो, एल रेस टू पावर जीरो, टी रेस टू पावर जीरो. एनीथिंग रेस टू पावर जीरो इज व्हाट? वन. एनीथिंग रेस टू पावर जीरो इज व्हाट? वन. इज इट क्लियर? तो बी क्या आ जाएगा? वन बाय एक्स. और एक्स का डायमेंशन क्या है? लेंथ है. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एल माइनस वन. एनीथिंग रेस टू पावर जीरो इज वन ना. M0, L0, T0, dimensionless. मतलब anything raised to power 0 is 1. तो जब भी कोई dimensionless होता है तो हम उसको 1 लिख सकते हो. 1 मतलब वो किसी पर depend करता ही नहीं है. anything raised to power 0, 1. तो anything raised to power 0 is 1. तो 1 ले लिया dimensionless को हमने. तो x नीचे आ गया. तो x मतलब L, L मतलब displacement, ऊपर चला गया L minus 1. इसी तरह d का क्या आएगा? cos dt को भी dimensionless कर देंगे हम लोग. एंगल भी dimensionless होते हैं. t minus 1. t माइनस वन हो जाएगी. यस तो हम इसको भी कर लेते हैं. कॉस डी टी इज डायमेंशनलेस. तो डी टी इज डायमेंशनलेस. तो d इज इक्वल टू वन अपॉन t. तो वन अपॉन t दैट इज इक्वल टू t माइनस वन. तो डायमेंशनलेस का मतलब ही होता है M0, L0, T0. उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है? M0, L0, T0. तो नेक्स्ट टाइम इतना करने की जरूरत नहीं होती. बच्चों मालूम रहता है. इसको वन कर दो डायमेंशनलेस ही. तो और जो भी है निकाल लो सिंप्लीफाई करके. अच्छा अब हमें बी का मिल गया, डी का मिल गया. आई गॉट बी. बी हो गया और डी हो गया. ये हो गया. ठीक है? बी और डी हो गया दैट वन. ठीक है? ओके. तो बी हो गया और डी हो गया. B and D. अब क्या रह गया? इक्वेशन में ऊपर आते हैं. A और C रह गया है. A और C. ठीक है? अच्छा A और C रह गया है. तो हम लोग अपनी वापस फिर से इक्वेशन लिखते हैं. इक्वेशन इज व्हाट इज गिवन. इट इज गिवन F इज इक्वल टू A साइन BX प्लस C cos डी टी. ठीक है? अच्छा दिस इज डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस है सर. यस इज एम एल स्क्वायर बी माइनस टू. यस एल स्क्वायर. कैसे? नो एल स्क्वायर नहीं होगा. बता रहे एक सेकेंड. डायमेंशनलेस. अब ये दोनों डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस हो गए तो बचा क्या? ए एंड सी. ए प्लस सी बचा. डायमेंशनलेस का मतलब वन ना बेटा. ये वन होगा. डायमेंशनलेस का मतलब वन. इसका मतलब ए का डायमेंशन. इसका मतलब ऑल सब ऐड हो रहे हैं और ये इक्वल टू है. तो सर ने ये भी बताया था कि सबका डायमेंशन क्या होता है? एक वो सेम होता है. इसका मतलब ए का डायमेंशन, सी का डायमेंशन और एफ का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा. एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स? एम एल टी माइनस टू. MLT minus 2. Sir. Yes. Sir, but हमें D और B का value है तो हम उसका dimension नहीं डालेंगे क्या? कैसे डालेंगे? D का dimension तुमने T minus 1 डाला. तो यहाँ पे रखोगे तो T और T चला नहीं जाएगा फिर. अगर यहाँ पे तुम जैसी अगर तुम T की value minus 1 डाल लो तो T तो चला नहीं जाएगा फिर. Angles are dimensionless. Cos theta sin theta is dimensionless. तो make them one ना. Okay. वही मैं कह रहा. ये पूरा डायमेंशनलेस है ना. दिस होल थिंग इज डायमेंशनलेस.
इनका डायमेंशन होता ही किधर है, जीरो 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 होता है ना बेटा, इनका डायमेंशन तो एम जीरो एल जीरो डी जीरो होता है ना। तो फिर जो d का वैल्यू है वो क्या है? हाँ तो वो d का डायमेंशन निकला है, लेकिन cos का डायमेंशन, अच्छा एक सेकंड वेट एक सेकंड आई एम अगेन जस्ट एक्सप्लेनिंग वेट, मैंने बोला साइन क्या था, एक सेकंड बी एक्स, मैंने बोला डायमेंशन लेस है, अब तुम कहोगे बी का डायमेंशन तुमने निकाला है, रख देता हूँ। अरे तो बी का डायमेंशन रख के देख लो तुम, फिर क्या निकाला था बी का डायमेंशन, एल माइनस वन ना, माइनस वन। हाँ तो बी का डायमेंशन, और ये भी तो एक्स भी तो रखना पड़ेगा फिर, तो वो जीरो नहीं हो जाएगा। हाँ अल्टीमेटली वो डायमेंशन लेस रहेगा ना बेटा, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा वो, हमारा कॉन्सेप्ट तो वही है ना, साइन कॉस दिया, वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम बी का रखोगे तो एक्स का भी रखना पड़ेगा ना, तो चला जाएगा सर, दिया डायमेंशन है, गॉट इट? अच्छा यस सर। और रिगार्डिंग एग्जाम में व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर आप कैसे भी उसको मैनेज करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा जस्ट होल्ड ऑन एक सेकेंड, आप लेट मी टेक सम अदर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जो बिल्कुल थोड़ा अलग सा प्रॉब्लम हो मैं वो लेना चाह रहा था, ठीक है। Can we discuss? हाँ just एक सेकेंड, ओके आई एम टेकिंग, यस 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 सर, आप इस पे भी एक वर्कशीट भेजोगे क्या? ठीक है, वैसे आपको जो बुकलेट मिला है ना, बुकलेट वन, उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट चैप्टर की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, उसमें मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके सर, ओके नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट हियर लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन इज गिवन, इस इक्वेशन को बेसिकली वंडरवॉल इक्वेशन कहते हैं, गैस इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ गैस इक्वेशन दैट इज p प्लस a अपॉन v स्क्वायर इनटू v माइनस b इज इक्वल टू rt, p फॉर प्रेशर, v फॉर वॉल्यूम, t फॉर टेम्परेचर, आर मतलब गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, ओके सर हम ट्राई करें क्या एक बार, ये ट्राई करो, यू कैन ट्राई, आई एम गिव वन मिनट, ट्राई कर सकते हो, दो नहीं तो एक तो बता ही दोगे फौरन। सर गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायमेंशनल हो सर, डायमेंशनल उसका, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट रिक्वायर्ड, उसके बिना हेल्प के भी कर सकते हैं इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं, मतलब हमें आर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड सर। पर कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है ना? नहीं होता क्यों नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है ना, जी का डायमेंशन होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, अच्छा यहां से पिक करना स्टार्ट करो बेटा, सेकंड ब्रैकेट से माइनस हो रहा है ना, समथिंग विच इज गोइंग माइनस, मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना बेटा, अगर वॉल्यूम से कुछ माइनस कर रहा हो तो दैट मस्ट बी वॉल्यूम ना, समझा क्या?
वॉल्यूम से अगर बी माइनस कर रहे हो तो बी का डायमेंशन किससे मैच करेगा? वॉल्यूम से मैच करना चाहिए, वॉल्यूम से मैच करेगा, मैच करना चाहिए वॉल्यूम से। तो सर बी एल एल क्यूब होगा, एल थ्री होगा क्या? हो जाएगा, वेरी गुड, एल क्यूब हो जाएगा फिर। तो जस्ट हियर सी दिस सेकंड ब्रैकेट, वी माइनस बी, इसका मतलब बी का डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब L3 हो जाएगा ना, L3 वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब L3। तो हो तो क्या, B का मिल गया डायरेक्ट। इसी तरह दूसरे का भी निकाल लो। सर सर A का ML माइनस 5T माइनस 2 है क्या? हाँ A, लेकिन A अपॉन B चाहिए। A अपॉन B स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब A अपॉन B स्क्वायर का डायमेंशन किससे मैच करना चाहिए? P से मैच करना चाहिए। हाँ A अपॉन B स्क्वायर का डायमेंशन P से मैच करना चाहिए। Like dimension can be added, like dimension can be subtracted. Sir, A का dimension. Sir, A का dimension आया है ना सर? नहीं तो cross multiply करना पड़ेगा फिर. V square into P होगा. Sir, तो सर आया ना, M L minus one T minus two. हाँ तो volume क्या था? L cube. L cube का square करेंगे और pressure का dimension क्या था? M ML minus 1 T minus 2. हाँ तो A का डायमेंशन आ जाएगा, that is L 6. 6. ML 2 T minus 2. तो A upon B क्या आएगा फिर? A तो निकाल चुके हो। हाँ. A का डायमेंशन आ जाएगा, that is ML 5. लेकिन तो minus 8. ML minus 8 T minus 2. L 8. Not minus L, L8. अच्छा ना, A upon B चाहिए, sorry, A upon B चाहिए. You want A upon B. हाँ, तो A is what? ML5 T minus 2 and B is L3. नहीं नहीं, चला जाएगा ये. ML minus 5. अब देखो, ठीक तो है. ये आ रहा है, A upon B का dimension. तुम ऐसे सोचो ना, कुछ भी माइनस कर रहे हो, कुछ भी प्लस कर रहे हो, तो सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए. अच्छा ये क्लियर हुआ ना, कुछ भी माइनस कर रहे हो, कुछ भी प्लस कर रहे हो, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए. एनीथिंग यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन और एडिशन, कुछ भी कर रहे हो, तुम इक्वेशन में देखो कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ऐड तभी होगा जब डायमेंशन सेम होगा, और सब्ट्रैक्ट भी ओनली पॉसिबल व्हेन डायमेंशंस आर सेम. तो तुमने जब पूछा ना आर का डायमेंशन जरूरत पड़ेगी, मैंने बोला नहीं पड़ेगी. क्यों? अरे माइनस हो रहा है तो दोनों का डायमेंशन सेम है, ये प्लस है तो दोनों का डायमेंशन सेम है, खत्म बात. इसके राइट हैंड साइड की जो रिक्वायरमेंट है ही नहीं. हाँ सर, समझ गया. ओके, समझ गया ना सब लोग? हाँ सर. तो थोड़ा सा केयरफुली करना, हो जाएगा न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ओके, जस्ट होल्ड ऑन. हाँ excuse me sir, sir but third ka solution dikhao na, third question sir, third ka, just wait, this one, ye started from here, sir. Done. Okay, now see matlab iska koi imagine karne ka limit nahi hai. They can give any type of question. Theek hai, ek main last question leta hu, fir iska ye wala use khatam karta hu, fir next use padte hain hum log. Theek hai, ek last problem le leta hu, this fifth one. Ye bahut pehle ek bar aaya tha in JEE mains. Theek hai, uske baad wo medical mein bhi aaya. ठीक है, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेट एक्स एन,
is equal to sine inverse x upon a. ठीक है, अच्छा ऐसा दे रखा है. अच्छा x और a जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है. फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड ऑप्शंस आर गिवन जीरो टू माइनस टू एंड वन. ऐसे छोटा सा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, बोला कि n की वैल्यू क्या होगी और x और ये डिस्टेंस है, क्या करेंगे. मैं बोल रहा हूं ओरल क्वेश्चन है ये, इट्स एन ओरल क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग. मैंने आपको हिंट दे दिया, इट्स एन ओरल क्वेश्चन, नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग. सर डी क्या है? क्या बेटा? वो तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाला dx है, इंटीग्रेशन किया था ना वाला dx. ओके सर, आंसर इज 2. व्हाई? It's an oral question. That's why मैंने पूछा. Answer is 2. अरे so the dimension of a and x is similar. तो yes, ये दोनों similar होंगे ना, minus हो रहे हैं. Power will also be similar. हाँ तो इनका dimension same होगा. Dimension wise they are same. Just see, x is also a length, a is also a distance. तो n की value क्या होगी? 2 होगी ना, सिमिलर सिंपल था बिल्कुल. तो कहने का मतलब आप कैसे भी सोचो ट्रिकी है ये. मतलब अब आपने इक्वेशन देखा और एक बच्चा ने इक्वेशन देखा और एकदम से डर गया, ये ऐसे कैसी किसी इक्वेशन दे दी इंटीग्रेशन और ये सब. ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके सोचो कि अपना कॉन्सेप्ट बस याद रखो. लाइक डायमेंशन कैन बी एडेड, लाइक डायमेंशन कैन बी सब्ट्रैक्टेड, लाइक डायमेंशन कैन बी इक्वल टू साइन कॉस टेन का डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है. इन दिस वे यू कैन डू इट. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just see. So I think आज lecture शायद अभी यहीं तक था ना हमारा, 15 तक है शायद. 11:30 से आपका फिर से lecture है. Yes, sir. Okay. तो I am ending this meeting here only. तो आगे next time dimension और dimension का third use करेंगे, उसके बाद आगे measuring instrument पढ़ेंगे. ठीक है. Okay. So I'm ending this meeting. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.